दोस्तों, क्या आप सबको BGMI खेलनी है अपने लैपटॉप या पीसी में, या एसफल्ट 9 को एक पीसी की तरह आप सब कैसे खेलेंगे? उसके लिए आप सबको चाहिए होगा एक तगड़ा पीसी या लैपटॉप। बट अगर आप सबके पास वो पीसी या लैपटॉप नहीं है तो आप सब क्या करेंगे? और अगर आप सबको बिना पीसी के अपनी टाइपिंग सीखनी है, मतलब कीबोर्ड पे जो टाइपिंग करते हैं ना, वो वाली टाइपिंग अगर आप सबको सीखनी है, या अगर आप सबके लैपटॉप में जो USB का स्लॉट होता है वो खराब हो चुका है, तो आप सब क्या ही करेंगे? ले जाएंगे नेहरू प्लेस में अपने लैपटॉप को पोर्ट ठीक कराने? नहीं ना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मेरे पास आप सबके लिए काफी स्पेशल गैजेट है। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग, बहुत सारी चीजें होने वाली आज की वीडियो में, और बहुत ज्यादा एनर्जी और एक्साइटेड हूं मैं इस वाली वीडियो के साथ। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मेरा नाम पंकज, आप देख रहे हैं टेक टॉक चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, यहाँ पे नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इसको दबोच के एकदम दबा के सब कुछ ग्रेवरे कर देना। बहुत करीब है 5000 सब्सक्राइबर होने के लिए। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इसी पावर और एनर्जी के साथ वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, जिस गैजेट की मैं बात कर रहा था, बेसिकली ये है वो गैजेट, इसको कहते हैं एक USB हब। और ये USB हब 4 पोर्ट के साथ आता है। मेरे पास पर्सनली ये 4 पोर्ट वाला है। अब बेसिकली जिन जिन लोगों को नहीं पता है क्या होता है एक्चुअली में USB हब, तो मैं सीरियसली बता सकता हूँ, आज के टाइम पे अगर ये नहीं है ना आपके पास, तो कुछ भी नहीं है। पर हाँ, ये आज के टाइम पे ट्रैवलिंग, ब्लॉगिंग, जो भी कुछ भी करते हैं रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी से, तो ये चीज स्पेशल होनी चाहिए आप सबके पास। और बताऊंगा कि क्या तगड़ा काम आ सकता है ये छोटा सा गैजेट्स आप सबके डेली लाइफ के लिए। बस इसको यूज करने के लिए आप सबको एक 20 से 50 रुपए का एक OTG आता है, उसको खरीदने की जरूरत है। उसके बाद आप सबका सारा काम आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों, पहली चीज, मेरे को पता है यार, मोस्ट ऑफ लोगों के पास एक अच्छा पीसी नहीं होता है, इतना जबरदस्त पीसी नहीं होता जिसमें वो सब BGMI खेल पाए। उनके पास उतना बेटर लैपटॉप नहीं होता है जिसमें BGMI हाई सेटिंग्स पे चले। अगर मैं कहूं आप सब BGMI को खेल सकते हैं बिना पीसी या लैपटॉप के, वो भी सेम एक्सपीरियंस इसी की तरह, सेम कीबोर्ड और माउस की मदद से, तो आप मानेंगे? नहीं ना। मैं कह सकता हूं इसकी मदद से आप अपने फोन में ही BGMI को बना सकते हैं एकदम कंप्यूटर एक्सपीरियंस। ऐसे करना है बहुत सिंपल है, आपने दो चीज ले लेनी है, एक माउस और कीबोर्ड। कीबोर्ड और माउस लेने के बाद आप सबको फोन उठा लेना है, फोन में प्ले कर लेना है BGMI को ओपन कर लेना है। उसके साथ साथ एक OTG जो मैंने बताया था उसको अपने फोन के साथ कनेक्ट कर लेना है। OTG को कनेक्ट करने के साथ ये आप सबको USB का पोर्ट दिखेगा, इसको OTG में लगाना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप सबको 4 स्लॉट देखने को मिल रहे हैं, या 4 पोर्ट देखने को मिल रहे हैं। आप सबको पहला पोर्ट अपने एक माउस में लगाना है, दूसरा वाला कीबोर्ड में लगाना है। उसके बाद आराम से आपकी BGMI गेम्स बिल्कुल सिस्टम की तरह रन करेगी। और पर्सनली यार, ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मैंने खुद भी ट्राई किया और सीरियसली यार, काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस लगा मेरे को। और ऐसे आप सब खेल सकते हैं। और हाँ, मुझे पता है अगर कोई भी बंदा PC में खेलता है BGMI, तो उसका एक्सपीरियंस अलग होता है और ज़्यादा मज़ा आता है, और काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं स्नाइपर करने के लिए। तो स्पेशली BGMI खेलना है तो ये छोटा सा चुनमुनिया सा गैजेट ले लेना, बहुत काम का हो सकता है। और सेम ट्रिक से मैंने यहाँ पे एक और गेम खेली थी जो कि एसफल्ट 9, कीबोर्ड लगाया था बस उसके लिए, और सेम प्रोसेस करना है, OTG कनेक्ट करके ये वाला USB कनेक्ट कर लेना, और कीबोर्ड को उस ये 4 पोर्ट में से किसी में भी डाल देना, और उसके बाद अपना गेम खेलना, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। एक रेसिंग वाला एक्सपीरियंस चाहिए बिना PC या लैपटॉप के, तो आप सब ट्राई कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप सब इसका यूज बहुत जबरदस्त स्किल के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि होती है आज के टाइम पे टाइपिंग। अब सीरियसली यार, जिन जिन लोगों को टाइपिंग नहीं आती ना कीबोर्ड पे, वो क्या ही करेंगे? मुझे पता है बहुत लोगों के पास यार बजट नहीं होता है PC या लैपटॉप परचेस करने का, तो आप सब फोन में ही टाइपिंग कर सकते हैं इसकी मदद से। क्या करना है, वही सेम मेथड करना है, OTG कनेक्ट कर लेना है। OTG कनेक्ट के बाद अपना जो कीबोर्ड है उसको इस पोर्ट के अंदर लगा लेना है, और प्ले स्टोर पे जाना है, अपने फोन को लेना है और प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पे डालना है टाइपिंग मास्टर, एक ऐप मैं आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको डाउनलोड कर लेना, और बूम, आप सब अपनी टाइपिंग आराम से कर सकते हैं। और देखो, ये छोटी छोटी स्किल्स ना काफी ज्यादा आगे चल के बहुत ज्यादा काम करती है। अगर आप IT में जाके काम करते हैं तो बंदे सबसे पहले आपकी टाइपिंग ही देखते हैं, तो ऐसे करके आप सब टाइपिंग को अपनी एक नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं, और घर बैठे ही टाइपिंग सीख सकते हैं, वो भी बिना लैपटॉप और PC के। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, सपोज अगर मैं बोलूं आप सबका जो फोन है उसका 3.5 mm का जैक पोर्ट खराब हो चुका है, तो आप सब क्या करोगे? ले जाओगे इसको सर्विस सेंटर? नहीं ना, आप सब यूज कर सकते हैं इसको, सेम मेथड से करना है, पहले OTG कनेक्ट करने के बाद ये लगाने के बाद एक छोटा सा और गैजेट खरीदना पड़ेगा, जो कि होता है 3D साउंड कार्ड। ये बेसिकली क्या करता है, ये आप सबको एक एक्सटर्नल एक हेडफोन और एक माइक्रोफोन का ऑप्शन दे देता है। अगर सपोज आपके फोन का 3.5 mm का जैक काम नहीं करता है, पानी वानी घुस के खराब हो गया है, तो आप सब एक छोटा सा आता है
3D साउंड कार्ड, उसको लगा के उसको ये वाले यूएसबी हब में लगाना है। यूएसबी हब को ओटीजी से अपने फ़ोन में कनेक्ट कर लेना है और बूम, और 3D साउंड कार्ड में माइक्रोफोन और हेडफोन दोनों का ऑप्शन रहेगा। तो गाने सुनने हैं तो गाने सुन लो, बाकी वॉइस रिकॉर्ड करनी है सपोज बोया BYM1 बहुत लोगों के फ़ोन में काम नहीं करता है, ये प्रॉब्लम मैंने देखी है, तो आप सब 3D साउंड कार्ड का यूज़ कर सकते हैं और उसकी मदद से आपकी आवाज़ ना अरिजीत सिंह जैसी बन जाएगी। मजाक कर रहा हूँ। अब देखो चौथी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप सबके लैपटॉप का अगर कोई स्लॉट, मान सपोज सबसे पहले लैपटॉप में 3 ही यूएसबी पोर्ट आते हैं और मान के चलो 2 ही खराब हो गए तो क्या करोगे, लैपटॉप को यार बहुत ज़्यादा बजट चले जाएगा और ये करने की जरूरत नहीं है, सीधा इसको खरीद लेना। यूएसबी हब कहते हैं इसको, 4 यूएसबी पोर्ट आप सबको देखने को मिलेगी, इसको सिंपली अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेना है लैपटॉप में, ये एक पोर्ट तो आप सबका लैपटॉप में खाली रहेगा ही ऑब्वियसली। तो ऐसे करके आप सब एक ही टाइम पे पेन ड्राइव लगा सकते हो, माउस लगा सकते हो, साउंड कार्ड लगा सकते हो, ओटीजी लगा सकते हो, यूएसबी केबल लगा सकते हो, जो मर्जी वो लगा सकते हो। और सिर्फ 4 पोर्ट नहीं, बहुत सारे पोर्ट के यूएसबी हब आते हैं और स्पेशली मेरे पास 4 पोर्ट वाला है। अगर आप सबका कोई लैपटॉप का यूएसबी पोर्ट खराब हो गया है तो आप सबको लैपटॉप कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, ये एक सस्ता सा गैजेट आप सब ले सकते हैं। अब पांचवा यूज, आप सब इसको यूज कर सकते हैं अपने कोई भी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। अब देखो स्पेशली टू बी ऑनेस्ट डेटा ट्रांसफरिंग स्पीड मैंने यहाँ पे कंपेयर की थी, अगर मैं इसका यूज करके इसको पेन ड्राइव में लगा के अपने पीसी में लगा रहा था तो जो स्पीड थी वो एकदम बराबर थी, अगर कभी अपने कंप्यूटर में डालता तो वही स्पीड मिली, इसको लगा के डाल रहा था तो वही स्पीड मिली। बट अगर आप सब एक यूएसबी पोर्ट हाई डेटा ट्रांसफर स्पीड वाला लेते हैं, लाइक 3.0 का लेते हैं, तो आप सबकी जो डेटा ट्रांसफरिंग है वो अलग लेवल पे पहुंच जाएगी। आप सबकी 3-3, 4-4, 5-5 GB की फाइल 1 मिनट में ट्रांसफर हो सकती है, जो कि एक फोन और कोई भी यूएसबी केबल करना बहुत बड़ी बात होती है। तो डेटा ट्रांसफरिंग भी करनी है तो ऑफकोर्स आप सब कर सकते हैं इसकी मदद से, और बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी, जैसे जॉयस्टिक लगा के आप सब गेम खेल सकते हैं, अपना जॉयस्टिक में अगर यूएसबी पोर्ट है तो इसको कनेक्ट कर लेना ओटीजी से, बहुत सारी चीजें हो सकती है यार। और मैंने ये कुछ मेन चीजें बताई जो कि स्पेशली आप सबको तुरंत परचेस, वहां पे जाओ अमेजोन पे और खरीद लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा मैं आप सबको, प्राइस वाइज चेक करनी है तो चेकआउट कर सकते हो। बाकी यार मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ना इसको यूज करने का, मेरे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा काम आता है, मैंने सोचा कि आप सबको भी बताऊं कि यार ये छोटा सा गैजेट कितना यूजफुल हो सकता है, एक यूएसबी हब। और बेसिकली मेरे पास जो यूएसबी हब है वो क्वांटम का है, काफी अच्छी ट्रस्टेड कंपनी है, आप सब इससे भी बढ़िया वाला ले सकते हैं तो इसकी प्राइस हैवी हो जाएगी, बट वो आप सब देख लेना। ये थी मेरी आज की वीडियो, होपफुली वीडियो देख के मजा आएगा, बढ़ जाएगा, लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है सब कुछ कर देना यार, अपना एक कमेंट डालते जाते दे जाना और बताना कैसी लगी आज की वीडियो। हम मिलते हैं आपको ऐसे ही अनदर एक्साइटेड वीडियो के साथ, ओके बाय बाय।